नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का हमारे YouTube चैनल MLM ऑडियो बुक्स पर। लिसन एंड चेंज योर लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की उड़ान, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। ये बुक सशीष कुमार तिवारी द्वारा लिखी गई है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गांव में एक नए महात्मा आए जो धार्मिकता के विषय में लोगों को प्रवचन देते थे। वह महात्मा प्राय देखा करते थे कि उनके लाख प्रयत्नों के बावजूद भी गांव के बहुत ही कम लोग उनकी बात सुनने आते थे, और जो थोड़े बहुत आते भी थे, ये न तो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और न ही उन पर अमल करते थे। ऐसे में वह महात्मा बहुत परेशान हो गए और हार कर अपने गुरु के पास पहुँचे और उनसे बोले, गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मैं सब कुछ तो ठीक ही करता हूँ, परंतु गांव में कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। इस पर गुरुजी ने उन्हें उत्तर दिया, चोला तो तुमने रंग लिया साधु, पर दिल में कमी है। आज के समय में ऐसा ही हाल उन बहुत से लोगों का है जो एक लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कर रहे हैं और सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हो नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार केवल चोला रंग लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, इसी प्रकार मात्र केवल व्यवसाय में आ जाने से कोई सफल नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए एक सही मानसिकता का होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि आप एक बड़े लीडर बने, पहले आप मानवता से परिपूर्ण एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छी नीयत के साथ इस व्यवसाय को करें। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रूप से आपके व्यक्तित्व को निखारना है और आपकी मानसिकता को एक नया रंग देना है, जिससे आप अपनी पुरानी विचारधारा का त्याग करके एक नए दृष्टिकोण से इस व्यवसाय को देखें। इस पुस्तक में कुछ ऐसी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें अपने चरित्र में लाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। व्यवसाय के तकनीकी पहलुओं को सीखने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपनी चारित्रिक और मानसिक बारीकियों को भी समझें। इस पुस्तक में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे आप इस तेज रफ्तार से बढ़ते हुए आधुनिक युग में ऑनलाइन पद्धति द्वारा अपने व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर जाएं तथा प्रसिद्ध सोशल मीडिया जैसे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाएं। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय केवल आप तक सीमित नहीं है, यह लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का व्यवसाय है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप मानव मनोविज्ञान को समझें। यह पुस्तक आपको इसी विषय की गहराई में लेकर जाएगी। जिस प्रकार गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए पहले बाल्टी को कुएं में उतारा जाता है, उसी प्रकार आपका काम है लोगों के दिल की गहराइयों में उतरकर उनके सपनों को बाहर निकालकर उनकी नज़रों के सामने रखना। यह काम कैसे किया जाता है, इस पुस्तक में आपको सीखने को मिलेगा। भारत की 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जिसमें से 60 करोड़ युवा हैं। यहाँ हर वर्ष करोड़ों युवा लोग अपनी पढ़ाई समाप्त करके किसी न किसी रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब अंत में निराशा हाथ लगती है तो कुछ युवा लोग अवसाद में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या करने तक का भयंकर निर्णय ले बैठते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा सामाजिक कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग गांव देहातों तक पहुंचकर युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सुंदर प्रणाली से अवगत करवाएं तथा एक सही जानकारी उन तक पहुंचाएं, जिससे वे कुशलतापूर्वक इस व्यवसाय का निर्माण कर सके। यह पुस्तक हमारे देश के उन्हीं सब महत्वाकांक्षी युवाओं और अन्य वर्ग के सभी लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो आइए इस पुस्तक में जीवन बदल देने वाली इस खूबसूरत संकल्पना की बारीकियों को समझें और सफलता की ऊंची उड़ान भरें। ये शब्द शशीष कुमार तिवारी द्वारा कहे गए हैं। सफलता एक यात्रा है, सदैव चलते रहिए, क्योंकि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। एक प्रेरणादायक कविता। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो उसकी परछाई है।
पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई हैं, अर्थात उनका हर एक आँच उनके मार्ग में खोद रहा खाई है। वो जो नहीं मानते कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, वो लोग जो तुम्हारी करते बढ़ाई हैं, उनकी बढ़ाइयों में कहाँ सच्चाई है। हाँ, हो भी सकता है वे मन से कहते हों, पर तुम तो जानते हो ना, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है, जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है। ये कविता शशि कुमार तिवारी द्वारा कही गई है। चैप्टर वन, नेटो मार्केटिंग एक परिचय। सृष्टि के आरंभ से ही मानव महत्वाकांक्षी रहा है। सदियों से अपनी आशाओं और स्वप्नों की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयत्न करता रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो आज तक जो भी गाथाएं हमने पढ़ी हैं, उनमें मानव ने अपने बुलंद इरादों का परिचय दिया है। साथ ही यह भी दर्शाया कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कुछ भी कर गुजरता है। प्राचीन समय से ही दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि लक्ष्य और उद्देश्य जब एक बड़े मिशन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को एक समूह की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें यह समूह के सभी सदस्यों के साथ एक सही तारतम्यता बैठाता है और लीडर के रूप में समूह का मार्गदर्शन करता है। अब जो सफलता मिलती है, वह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की होती है। बात चाहे कोई युद्ध लड़ने की हो या कोई इमारत बनाने की, प्राचीन काल से ही यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समूह का होना अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता भी है, तो यह उसके स्वयं केंद्रित होने का परिचय देता है। देखा जाए तो अकेले काम करने से लाख गुना बेहतर है किसी समूह के साथ मिलकर काम करना, जहां समूह का हर सदस्य एक दूसरे के सच्चे दिल से देखभाल करता है और साथ ही सब लोग मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हर सदस्य का लाभ होता है। यदि व्यावसायिक भाषा में बोला जाए तो समूह बनाने का अर्थ है नेटवर्क का निर्माण करना, और कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखकर नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे आज 21वीं शताब्दी का व्यवसाय माना जाता है। इस व्यावसायिक नेटवर्क प्रणाली में हर व्यक्ति को एक अवसर मिलता है कि वह समूह की सहायता से अपने लक्ष्यों और अपने सपनों तक पहुँचे। यह वह खूबसूरत प्रणाली है जो किसी साधारण इंसान को चंद ही वर्षों में असाधारण बना देती है तथा उसके जीवन को एकदम नया रूप दे देती है। सवाल यह है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में आने से क्यों कतराते हैं, क्यों वे इस व्यवसाय प्रणाली का खुले दिल से स्वागत नहीं करते। इसका सीधा अर्थ है कि इस व्यवसाय के विषय में उनके सही दृष्टिकोण का न होना, उनको कोई जानकारी न होना। आखिर हमारा दृष्टिकोण इस बात से निर्धारित होता है कि हमें इस विषय में जानकारी कितनी है। इसलिए इस अध्याय का उद्देश्य है इस विषय में आप तक सही और उम्दा जानकारी को पहुंचाना, जिससे कि आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय ले पाएं और उसे एक नई दिशा दे पाएं। सर्वप्रथम हम व्यवसाय के उन मूलभूत कारकों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी जानकारी से आपको इस व्यवसाय संकल्पना का एक सही अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाना है जिसके बारे में जानकर आप इस व्यवसाय को एक दैविक व्यवसायिक प्रणाली के रूप में देखना शुरू कर देंगे, जहां केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता बल्कि अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना ही उद्देश्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी चीज को तभी गले लगाता है जब उसके विषय में उसे पूरी जानकारी होती है, वरना एक अच्छी जीवन शैली और परिवार के लिए अतिरिक्त आय किसे नहीं चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। इन तथ्यों के बारे में जान लेने के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सही अर्थ को समझने में सहायता मिलेगी। इस प्रणाली के पीछे जो दर्शन छुपा है, यदि आप उसे समझ लेंगे तो स्वयं को व्यवसाय करने से रोक नहीं पाएंगे। मजबूत संबंध एक टिकाऊ व्यवसाय का आधार। एक टिकाऊ व्यवसाय कैसे बनता है? एक टिकाऊ व्यवसाय तब बनता है जब आप एक अच्छा संबंध बनाते हैं। किसी भी उत्पाद की बिक्री के लिए किसी गलत तरीके को अपनाकर आप एक बार तो उत्पाद बेच सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वो इंसान दोबारा आपसे कभी भी कुछ नहीं खरीदेगा।
कई बार हम कुछ ऐसी चीज अपने ग्राहक को बेच देते हैं जिसे वह नहीं चाहता था। कई बार क्या होता है कि ग्राहक अपनी पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होता है कुछ खरीदने के लिए, और हमने कोई भी ट्रिक लगाकर उस पर अपने रिश्तों का दबाव डाला और उत्पाद बेच दिया, या उसे जबरदस्ती उसके न चाहते हुए भी व्यवसाय में ले आए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ऐसे लोग व्यवसाय में टिकते नहीं हैं और न ही दोबारा कुछ खरीदते हैं। दूसरी ओर आप शिकायत करते रह जाते हैं कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या मीटिंग और सेमिनार में नहीं आ रहे हैं इत्यादि। उसका एक कारण यह है कि आपने जो कुछ भी उन्हें बताया, उन्हें लगा नहीं कि उनकी कोई समस्या उससे सुलझी है या उनकी कोई आवश्यकता उस उत्पाद से पूरी हुई है। आपसी संबंधों के चलते आप एक बार तो कोई वस्तु उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बेच सकते। इस तरह आप खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपको सेल्स में एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करना है तो उसका एक ही रास्ता है, लोगों के साथ अच्छे आपसी संबंध स्थापित करना। इसलिए इस व्यवसाय में यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि किसी भी कीमत पर किसी के भी साथ आपके संबंध खराब न हो। ऐसा न हो कि थोड़ा सा मुनाफा कमाने की वजह से आप किसी अच्छे रिश्तों से हाथ धो बैठें। अच्छे संबंधों के सामने मुनाफे जैसी चीज हमेशा छोटी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौती, सामान्यतः देखा जाए तो लोगों को दुनिया में किसी अन्य दुकान या मॉल से कोई उत्पाद खरीदने से कोई समस्या नहीं है, जहां वे अक्सर पैसा खर्च करके आते हैं और कई बार ऐसी वस्तुएं खरीद कर ले आते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनका पैसा बर्बाद चला गया। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि वो ठगे गए हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आमतौर पर यही होता है कि आपने कुछ खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, और यदि वह वस्तु आपकी उम्मीदों से मेल खा रही है तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं होती, अब आप खुश हैं और आप अब दूसरों को वह वस्तु या उत्पाद खरीदने की खुले दिल से सिफारिश भी करते हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसके साथ मुख्य चुनौती यह है कि यहाँ जब कोई नया व्यक्ति आता है तो हमने उसे सिर्फ उत्पाद ही नहीं दिए होते, बल्कि उत्पादों के साथ साथ सफल भविष्य की काफ़ी उम्मीदें भी दे देते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति उत्पादों का इस्तेमाल करता है, खुश भी होता है और साथ ही उसे लालसा भी होती है, क्योंकि अब हमने उसे बड़ी बड़ी उम्मीदें भी दे दी हैं, अतिरिक्त आय की, अच्छे घर की, या उनके सपनों को पूरा करने की इत्यादि। अब वह चाहता है कि उसके सपने पूरे करने के लिए आप काम करें। जहाँ तक सपने पूरे करने की संबंध है, यह बात हमने उसे शुरू में स्पष्ट नहीं की होती कि यह बात सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि उस पर भी निर्भर करती है। अगर सिर्फ उत्पादों के लाभों की बात करें तो यह बात सिर्फ हम पर निर्भर हो सकती है, क्योंकि वह अगर उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो हम उसके उत्पाद वापस भी करवा सकते हैं और उसका पैसा वापस दिला सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं अधिकतर उनकी यही नीति है कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादों से संतुष्ट नहीं है तो उसका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। अब रही बात उसके सपनों की, तो यह बात हमने पहले ही स्पष्ट करनी होगी कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो काम होगा उसमें उनको भी आपके साथ मन लगाकर मेहनत करनी होगी। आप उनकी पूरी मदद करेंगे और जो भी संबंधित काम होंगे, जैसे निमंत्रण देना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, प्रशिक्षण देना इत्यादि, उन सब में आप उनका मार्गदर्शन करेंगे तथा उनके साथ मिलकर काम भी करेंगे। जब आप यह सब पहले स्पष्ट कर देंगे तो वह व्यक्ति हवाई किले नहीं बनाएगा और यह सोचने की भूल भी नहीं करेगा कि उसका काम कोई और कर देगा। इस प्रकार प्रारंभ से ही प्रोस्पेक्ट को एक सही जानकारी दें ताकि वह अपनी सोच से बाहर निकल पाए। बिक्री के सही माने, द रियल मीनिंग ऑफ सेल्स। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से सेल्स के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, उनके लिए सेल्स करना बहुत आसान होता है, परंतु दूसरी ओर और कुछ लोगों के लिए यह काम काफ़ी टेढ़ी खीर है। उन्हें अंदर ही अंदर यह डर खा रहा होता है कि यह काम उनसे नहीं होगा और न ही यह काम वह किसी को समझा पाएंगे इत्यादि। इसी कारण वह इस व्यवसाय से जुड़ना पसंद नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में जो अधिकतर समस्याएं आती हैं उनका मुख्य कारण यही है। अधिकतर लोगों को सेल्स का काम डरावना लगता है। हमें उन्हें यह बात समझानी होगी कि सेल्स का काम सीखा जा सकता है। जिस प्रकार आज वह जो भी व्यवसाय कर रहे हैं
उसके विषय में आखिर उन्होंने कुछ सीखा, तभी वे सफलतापूर्वक अपने कामों को कर पा रहे हैं। उन्हें यह बात समझानी होगी कि जीवन में जो कर रहे हैं वो आखिर सेल्स ही है। जब वह किसी नौकरी के लिए किसी साक्षात्कार में शामिल होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मनाते हैं, किसी को कुछ खरीदने के लिए सिफारिश करते हैं, किसी को कोई मूवी देखने के लिए सिफारिश करते हैं, या किसी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने की सिफारिश करते हैं इत्यादि, तो उस वक्त वह सेल्स ही कर रहे होते हैं। यह सब आखिर सेल्स का ही भाग है। देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में हम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है और सेल्स को व्यावसायिक रूप से करने की बात आती है, तो वह इस काम को करना पसंद नहीं करते। उसका कारण यह है कि सामान्य रूप से जब वह व्यक्ति अनजाने में किसी से कोई वस्तु खरीदने की सिफारिश कर रहा होता है या किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके मन में सहायता करने का भाव होता है। उस समय उसके दिमाग में अपने कोई फायदे की बात नहीं चल रही होती, उसका पूरा ध्यान अगले व्यक्ति की सहायता करने पर होता है। वह भूल जाता है कि सेल्स का मतलब ही सहायता करना है। जब वह सहायता कर रहा होता है तो उसे पता ही नहीं कुछ न कुछ बेच रहा होता है। अब पिछले कुछ दशकों में सेल्स के क्षेत्र में विभिन्न पुस्तकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों के द्वारा सेल्स की नई नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी उलझने पैदा हो गई हैं। जब लोगों ने सेल्स के नए नए तरीके सीख लिए तो उनकी जो सेल्स की प्राकृतिक प्रवृत्ति थी वह समाप्त हो गई। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है अपनी बात मनवाने का या अपना कुछ विचार रखने का। लेकिन हुआ क्या कि इतनी सारी बाहरी जानकारियों के चलते हमने अपना प्राकृतिक तरीका छोड़कर कोई और तरीका पकड़ लिया, जिसमें हम मानसिक रूप से सुविधाजनक भी महसूस नहीं करते। अब यह सोचना होगा कि क्या वह बनावटी तरीका हमारे लिए काम करेगा। याद कीजिए कि जब भी आपने किसी को राजी किया अपनी बात मनवाने के लिए या किसी को कुछ खरीदने की सिफारिश की, उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, किस भावना के साथ आपने वह काम किया था जहां से आपको एक रुपए का भी फायदा नहीं था। इसके विषय में गौर से सोचेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बिक्री या सेल्स के सही मायने क्या होते हैं। हर व्यक्ति सेल्स के क्षेत्र में माहिर है। समस्या यह है कि हमारी जो जन्मजात प्रवृत्ति है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना जो प्राकृतिक तरीका है हमारे मन की गहराइयों में बैठा हुआ है, पर हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। और जब तक हम अपना तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कभी भी विश्वास नहीं आएगा। अब इतने सारे सेल्स प्रशिक्षणों ने, किताबों ने और अन्य सम्मेलनों ने सेल्स को ग्राहक केंद्रित न बनाकर स्वयं केंद्रित बना दिया है। आज सेल्स के क्षेत्र में काफ़ी उलझने पैदा हो गई हैं। अब लोग सेल्स करते वक्त यह सोचते हैं कि अगर उनका यह उत्पाद बिक गया तो उन्हें कितना फायदा होगा। बाहर की बनावटी जानकारियों के कारण व्यक्ति अपने प्राकृतिक तरीके का उपयोग ही नहीं कर रहा है, जबकि सही मायनों में देखा जाए तो अपना प्राकृतिक तरीका ही बेहतर परिणाम निकाल कर लाता है। ध्यान रहे कि अगर इस व्यवसाय में आपकी मानसिकता सिर्फ पैसा कमाना है तो दरअसल आप इस व्यवसाय में हैं ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी तक आप सेल्स की सिर्फ ऊपरी सतह पर ही हैं और इसकी गहराई को या इसके दर्शन को अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। आपको हमेशा ग्राहक केंद्रित होना है, न कि स्वयं केंद्रित। जब आप एक अच्छी भावना से काम करते हैं तो फिर सेल्स आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं होता, तब वह आपके लिए सेवा का माध्यम बन जाता है। और जब आप सेवा भाव से काम करते हैं और किसी को कुछ बताते हैं तो आप ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाते हैं। आपकी सकारात्मक सोच से जो ऊर्जा निकलती है वह सामने वाले व्यक्ति पर एक बहुत असरकारक प्रभाव डालती है। यह सेल्स की दुनिया का एक ऐसा दर्शन है जिसे समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यह तथ्य नहीं समझे तो आप जीवन भर यही सोचते रहेंगे कि आखिर इतने अथक प्रयासों के बावजूद भी आप इस व्यवसाय में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि सेल्स विज्ञान कम है और कला अधिक है। अब विज्ञान क्या है, यह भी एक प्रक्रिया है, और इस व्यवसाय में हमारी प्रक्रिया क्या है, लोगों को नियंत्रित करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना इत्यादि। लेकिन सभी तो यही प्रक्रिया दोहराते हैं, फिर भी क्या कारण है सभी सफल नहीं होते।
अर्थात कहने का मतलब है कि सेल्स का कार्य विज्ञान कम है और कला अधिक है। कला का अर्थ है आपकी मानसिकता, आपका बर्ताव, आपका दृष्टिकोण, आपके अंदर क्या दर्शन चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं। यदि आपकी विचारधारा सकारात्मक है और उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा भाव छुपा है तो यह आपको उन सभी लोगों से अलग बनाएगा जो स्वयं केंद्रित होकर इस व्यवसाय को करने का प्रयास करते हैं और अंततः असफल होकर बैठ जाते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है या उनकी मदद करना है तो आप एक बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण कर पाएंगे। सेल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यहाँ सेल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का वर्णन किया जा रहा है जो सेल्स के सही अर्थ को समझने में आपकी मदद करेगा। इसे कहा जाता है VSL फॉर्मूला या सूत्र। इसी में व्यवसाय का संपूर्ण सार छुपा हुआ है। अगर आप व्यवसाय को विकसित करते इस पर ध्यान केंद्रित करके रखेंगे तो आप एक सच्ची भावना और सही दर्शन के साथ इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और बड़े परिणाम निकाल कर ला पाएंगे। तो आइए इन तीन सूत्रों के बारे में जानते हैं। वी मतलब वैल्यू एडिशन और एस मतलब सर्विस सेवा और एल मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अटूट रिश्ता बनाना। वैल्यू एडिशन, हमेशा यह ध्यान में रखें कि क्या आपके उत्पाद या सेवाएं लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि पर सदैव केंद्रित रहें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका व्यक्तित्व आपकी कंपनी लोगों में कितनी मूल्य वृद्धि कर पा रही है। आप किसी भी व्यक्ति से तभी आदर पाते हैं जब आप उसके जीवन में अपने विचारों से या अपने किसी काम से कोई मूल्य वृद्धि करते हैं। एस मतलब सर्विस सेवा। इस व्यवसाय को विकसित करते समय आप किस प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं, आपकी कंपनी की सेवा कैसी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कई बार अच्छी सेवा न देने के कारण भी कई लोग कुछ अच्छे लोगों को खो देते हैं और उन्हें बुरे अनुभवों का एहसास करवाते रहते हैं जो कि आगे चलकर बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। कंपनी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्पादों को सही समय सीमा के अंदर लोगों तक पहुंचाना। कंपनी नए ग्राहकों के साथ जो वादे करती है, जैसे किसी असंतुष्ट ग्राहक को पैसे वापसी का वादा, उन सब बातों का समय से और कुशलता निपटारा करना इत्यादि। एल मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में जो ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात होती है वह है लोगों के साथ एक टिकाऊ रिश्ता कायम करना। वह तभी संभव हो पाता है जब आप एक अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं और अपने फायदे की बजाय उनके फायदे पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। व्यवसाय के शुरुआती दौर में ही उन्हें यह एहसास करवाना होता है कि वे जो भी निवेश कर रहे हैं वह कंपनी के खाते में जाएगा और उसके बदले में उन्हें उतनी ही कीमत के उत्पाद भी मिल जाएंगे। देखा जाए तो उनका यह निवेश नहीं है बल्कि खरीदारी है और आपके लिए इसमें ऐसा कोई विशेष मुनाफा नहीं है जिसके चलते आप उनका नुकसान चाहेंगे या उनसे अपना रिश्ता खराब करेंगे। उन्हें समझाएं कि सवाल यहाँ कोई मुनाफा कमाने का नहीं है बल्कि एक साथ काम करने का है। यहाँ वो सपने पूरे करने का सवाल है। जिन सपनों को देखने की हिम्मत कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद ही जुटा पाता है, या वो सपने जिनकी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ही कोई इंसान पूरे होने की उम्मीद करता है। जब आप उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि आप हर कदम पे उनके साथ हैं और आप वाकई उनकी सच्चे दिल से परवाह करते हैं, तब वे प्रसन्नचित मन से आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और तब यहाँ से एक अटूट रिश्ते का जन्म होता है।